येस वी आर लाइव नाउ हेलो फ्रेंड्स दिस इज ए मैं डिस्कस करेंगे एसटेट का पेपर हुआ है लेवल टू का आंसर की सी डी पी की अभी लेवल वन भी आई थिंक आप लोग फ्री हो गए होंगे और हो सकता है आंसर की भी जल्दी ही आ जाए एसटेट आंसर की जल्दी ही रिलीज कर देता है फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं देखिए एक बार फाइनल आंसर की से आप मैच कर लीजिएगा एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं एक आध परसेंट के चांस होते हैं देखो एक बार वॉट इज दी क्वेश्चन वन देखिए एक बार One, अच्छा, का, उसका, आपका सेशन होना था वो मुझे स्मार्ट बोर्ड ये चेंज होगा मुझे थोड़ा नया अपडेटेड लगवाना है ठीक है तो वो काफी दिनों से ऑर्डर पे था तो आज ही अचानक से उन लोग का फोन आया तो मजबूरी है कि मजबूरी है कि एक दो सेशन डिस्टर्ब होंगे नहीं तो मुझे कई सारे सेशन आज में दो तीन तो ले भी चुकी हैं लेने भी थे देखो एक बार क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग हिडन इमोशनल सफोकेशन एंड पार्स इनसाइड चिल्ड्रन कॉल्ड यानी रिलीजिंग हिडन इमोशनल सफोकेशन क्या बोलेंगे इसको सिंपल होता है इमोशनल कथारसेस बोला जाता है कि बच्चे जैसे खेल में अपने इमोशंस को जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको रिलीज कर देते हैं

इमेजिनेशन हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आप मुझे पसंद करते हैं और मैं शर्ट्स पहनती हूँ तो आप शर्ट्स पहनना शुरू कर देते हैं जो कि एक मेरे सामने इस तरह का एक आया अभी था या किसी ने देखा सलमान खान को तेरे नाम में तो वही उस तरह का हेयर कट रखना शुरू कर दिया है ना आ, अगर जैसा टीचर स्वेटर पहनती है वैसा बच्चे ने भी पहनना शुरू कर दिया इसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं कि आप खुद की जो आइडेंटिटी है वो जोड़ने लगते हैं किसी एक व्यक्ति वस्तु जगह तरीके के साथ ठीक है तो ये भी ऑप्शन ए हो गया सही आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री पर अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे बिटवीन विच एज चाइल्ड डेवेलप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अमूर्त चिंतन कब आ जाता है तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 14 वर्ष की उम्र है बिल्कुल क्लियर कट एस्टेट का लेवल थोड़ा सा हाई रहता ही है और वैसा ही पेपर आया है ठीक है अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर yani, uh, नहीं है किसका चाइल्डहुड का बचपन का ठीक तो देखिए फटाफट से, से बट ऊर्जा की कमी चाइल्डहुड में नहीं होती तो फोर्थ का हो गया ए आंसर सही आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम बात कर रहे हैं आपका फिफ्थ टेन कार्ड्स होंगे ना तो बारह ना तीस ना इकतीस इकतीस होते हैं थीमेटिक एपरसेप्शन में टेट जिसको बोलते हैं मॉर्गन मुरे ने दिया था ये रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट रोशा ने दिया था तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फिर इसके बाद सिक्स क्वेश्चन है वॉट इज द रेंज ऑफ प्यूबर्टी स्टेज प्यूबर्टी जो है वो आपकी टीन के आसपास ही आनी शुरू होती है उससे एक आध साल पहले आ जाती है तो सोलह वर्ष इसका सही उत्तर होगा। बाकी को देखते हुए। आगे बढ़ेंगे तब भी आपका ये काम पूरा निकल रहा होगा इस पेपर में दिक्कत आपको बहुत ज्यादा नहीं हुई होगी एक दो क्वेश्चन अलग से है वो मैं मानती हूँ अकॉर्डिंग टू रॉस विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज सुडो का काल या मिथ्या परिपक्वता काल चाइल्ड uh, हुड को कहा जाता है उसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कई बार लेटर चाइल्डहुड को कह दिया जाता है ठीक उसको लगता है वो बहुत बड़ा हो गया बच्चा तो बाल्यवस्था इज द राइट आंसर ठीक है क्लियर है बात बी ऑप्शन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर एट देखिए आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस यानी इंटेलिजेंस का कौन सा एक परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है तो सीधा सा आंसर है क्या ए ऑप्शन आर्मी एल्फा टेस्ट

री जिसको मोटिवेशन के नाम से भी जाना जाता है और कई बार प्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है तो ये सिर्फ डी ऑप्शन में ही लागू होगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पे नोटिफिकेशन आज है है मुझे लग रहा है कई सेशन हो जाते हैं तो नंबर देखिए हु इन्वेंटेड सोशियोमेट्रिक टेक्निक यानी समाज मिति विधि जैसे मॉनिटर चूज करते हैं ना क्लासरूम में तो हाथ उठाएंगे कौन कितने के पक्ष में कौन है तो इसको जे एल मुरैनो ने दिया था एक सेकेंड रुकी जे एल मुरैनो ने दिया था ये लोग एक सेकेंड एक सेकेंड

यार मिनट रुकना भाई कॉपीराइट आ जाता है YouTube पे गाने बजा रखे हैं उन्होंने अपने रिंगटोन में कॉलर में सॉरी मतलब से है ना हाँ हाँ खैर फाइनली ये बोर्ड वाला काम जरूरी है अब क्या कर सकते हैं देखिए हु इन्वेंटेड सोशियोमेट्रिक टेक्निक तो जेएल मोरेनो ने किया आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन

आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिफ्टींथ क्वेश्चन है आपका आउट ऑफ दी फॉलोइंग विच वन इज सब्जेक्ट मैटर फॉर स्टडी ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के अनुसार कौन सा एक बात सही होगी देखते हैं एक बार कॉग्नेटिव uh, प्रोसेस से जुड़ी हुई है जो सब्जेक्ट मैटर फॉर स्टडी कॉग्नेटिव प्रोसेसेस को पढ़ते हैं कॉन्शियसनेस को ए तो भी सकता है बट अगर हम देखें तो वो कॉग्नेटिव प्रोसेस सी ऑप्शन में इंक्लूडेड तो है ऑलरेडी तो सी बेटर है ए से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार

तो शरीर रचना में स्थानिक होना कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है डेलीक्वेंसी का ठीक है ये बिल्कुल मानसिक बात है तो फोर्थ ऑप्शन सही हो गया फिर है क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी यानी इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है फटाफट से बताओ रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होते हैं या फिर अगर मैं बात करूं एटीन का बी डी सी अपनी मर्जी से देखो एक बार या फिर मैं बात करूं थी क्या कह रहे हैं अपने विचारों को आग्रह ना, ना ना जो इंट्रोवर्ट होता है वो एबजॉर्ब इन ओन यानी अपनी बौद्धिक खोज में लीन स्वयं उनकी खुद की दुनिया में रहते हैं इंट्रोवर्ट्स एक्सट्रोवर्ट्स में बाकी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 19 आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन एक्टिविटी इज नॉट सुटेबल फॉर सेटिस्फाइंग द इंस्टिंक्ट क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सी एक बात सही नहीं है कौन सी एक एक्टिविटी सही नहीं है जिससे बच्चे की क्यूरियोसिटी शांत तो हो सके फटाफट से बताइए अवॉर्डिंग पोजिशन इन द क्लास

रात में क्लास होगी बिल्कुल होगी थोड़ा बहुत लेट हो सकती है और uh, टॉपिक भी चेंज हो सकता है बट होगी क्लास होगी पक्का 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 होगी एक दो घंटे का काम होना चाहिए इनका हो जाना चाहिए है ना क्योंकि एक्चुअली चक्कर क्या है कि वो पूरा कई फ्लोर बोर्ड चढ़ के आएगा और फिर ये वाला बोर्ड जाएगा वापस तो टाइम लगता है भारी होता है एक क्विंटल वजन है क्वेश्चन ट्वेंटी वन देखिए आउट ऑफ द फॉलोइंग फॉलो वन ऑफ द स्टेट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटीमेंट्स देखिए एक बार सेंटीमेंट्स के बारे में कौन सी बात गलत है तो हम कहेंगे कि एनिमल्स में नहीं होते ये बात बिल्कुल गलत है एनिमल्स में भी सेंटीमेंट्स होते हैं मौजूद आप एक कुत्ता भी पालेंगे तो आपको पता लगेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकेंड देखिए अ टाइप ऑफ थिंकिंग इन विच वंस इंटरप्रेट सेंसेशन विद एक्सपीरियंस सेंसेशन को एक्सपीरियंस के साथ परसेप्पुअल थिंकिंग में परसेप्शन का मतलब ये आपके सेंसेस से इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंच रही है तो ट्वेंटी का बी आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड देखिए आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज करेक्ट सीक्वेंस जेम्स लैंग की थिरी में अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो हम जेम्स एंड लैंग पढ़ते थे कॉग्निशन और इमोशन में तो इस केस में अगर हम बात करें तो जेम्स एंड लैंग की जब बात करेंगे तो ये पहले तो सिचुएशन की बात करेंगे फिर एक्सप्रेशन की बात करेंगे कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर या शुड बी द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखिए समटाइम द चिल्ड्रन ऑफ गिफ्टेड पेरेंट्स आर बॉर्न विद लेस इंटेलिजेंस पेरेंट्स और वाइस एवर्सा भाई कई बार बच्चों का जो गिफ्टेड पेरेंट्स हैं उनके बच्चे भी कम इंटेलिजेंट पैदा होते हैं यानी ऑपोजिट हो गया भाई इंटेलिजेंट माँ बाप के बच्चे डम्प हो गए और डम्प के इंटेलिजेंट हो गए मतलब थोड़ा जो उल्टा हो गया तो ये लॉ ऑफ प्रग्रेशन है मेंडल, जो मेंडल हाँ, इसके बारे में बात करते हैं Hereditary जो लॉज है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पर विच इज द फोर्थ स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट फोर्थ स्टेज वही आपकी पहली होती है ट्रस्ट वर्सेस फिर आपका ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट देन आएगा आपका उसको कैसे याद रखते थे एक बार हाँ ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट देन आपका इंडस्ट्री इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी फोर्थ होती है जिसको स्कूल एज भी कहते हैं लेटेंसी कहते हैं फ्रॉड की भाषा में तो ये ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट इन कॉन्टेस्ट ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट के बारे में कौन सी बात गलत है अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल हाँ होता है अनप्रेडिक्टेबल नहीं हो सकता प्रोडिक्टेबल होता है ये तो हमने कल परसों ही पढ़ा था बाकी सारी बातें सही है दिस इज इन प्रोडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता प्रोडिक्टेबल होता है हम अनुमान लगा सकते हैं बच्चे की हरकतों को देख करके के वो कहां तक जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देखिए आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज दी रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गाइडेंस गाइडेंस के बारे में कौन से एक बात गलत है तो गाइडेंस इज हेल्पिंग द इंडिविजुअल हिमसेल्फ थ्रू अदर्स एफर्ट्स ओनली ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों के एफर्ट से ही गाइडेंस दी जाती है ट्वेंटी सेवन का हो गया सी रिडल्स कह रहे हैं रिप्लाई ऑन मेल मेल आपने किस नाम से किया है एक बार चेक करके पता लगेगा बहुत सारे मेल्स आते हैं एक्चुअली मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है ये भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं फ्रॉइड ने पैटर्नल लव फॉर गर्ल्स यानी पिता के प्रति जो लड़कियों का प्रेम है उसको इलेक्ट्रा कहा है और लड़कों की बात होती तो ओडीपस हो जाता माता के प्रति ठीक तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर लास्ट

होता है बिल्कुल एकदम से आहा मोमेंट तभी तो कह रहे हैं नोवल सिचुएशन कह सकते हैं नई सिचुएशन में एकदम से जो रिस्पॉन्स आता है स्पॉन्टेनिटी बट हैबिट स्ट्रेंथ पहले से थोड़ी पता है आपको कि कौन सा आइडिया कब आ जाएगा तो स्पॉन्टेनिटी नहीं हो सकती थर्टी का हो गया सी आउट ऑफ थर्टी क्वेश्चन कितने आपके ठीक हुए वो आप कॉमेंट में बता दीजिएगा और होपफुली आपका पेपर ठीक हुआ होगा अच्छा हुआ होगा थोड़ा सा मुश्किल आता है बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में है ना तो इस बार इजी आ गया था बट वो तो किसी काम का नहीं रहा नहीं तो यूपी टेट हुआ, हुआ इनका लेवल थोड़ा अच्छा खासा रहता है इसके अलावा कोई कह रहा है मैथ्स पेडोलॉजी का मॉक टेस्ट ले लो कल एग्जाम है आई अंडरस्टैंड आपकी बात बट अभी के लिए या तो मैथ्स पैडोगॉजी हो पाएगा या सी इन वन शॉट हो पाएगा आप चूज करके बता दो मैं दोनों में से एक करा दूंगी क्योंकि बट इन वन ही कर लेते हैं मैथ्स पेडोलॉजी के लिए जो मैंने मैराथन कराई हुई है ना पिछली बार डेढ़ घंटे की वो देख लो जो आगे वाली शिफ्ट होंगी कल कल की शिफ्ट संभाल लो फिर मैं उसमें करा दूंगी मैथ्स पेडोलॉजी का भी और एस एस टी वगैरह का भी ठीक है चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही एक आध क्वेश्चन में गलती आपको मिल सकती है बट वो बहुत रेयर है चलिए सीडीपी सी डी पी सी डी पी सी डी पी कह रहे हो ना आप लोग चलो फिर सीडी पी करते हैं और क्योंकि आउट ऑफ आप लेके आ सकते हो आसानी से अभी वो बंदा खड़ा हुआ होगा तो एक बार मैं ये चेंज करा देती हूँ ये लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं है ना मतलब काम करने वालों को प्रति मेरे मन में अलग सी इज्जत है चाहे वो कोई भी पोस्ट हो कुछ भी हो ना जो लोग काम करना पसंद करते हैं जो लोग अपना जीवन अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी रोटी कमा के खा सकें चलिए ध्यान रखते हैं टेक केयर मिलते हैं शाम को मिलेंगे ये काम होने के बाद थोड़ी बहुत लेट हो सकती है क्लास बट होगी ज़रूर मैथ्स पेटोकॉजी तो आज नहीं हो पाएगी मुझे लग रहा है और मुझे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी कराने हैं आपको कुछ मिले हैं